कल पंजाब और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, तो बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह हल्के कोहरे का अनुमान। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान, वहीं अंडमान निकोबार के कई इलाकों में बरसेंगे बादल। तटे कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान रहा 34.7 डिग्री, पंजाब के लुधियाना में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं अनुमान है घना कोहरा छाए रहने का। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी कल इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं आगे आने वाले दो दिनों के दौरान हल्का कोहरा छाया रह सकता है। जी हां, अनुमान जताया जा रहा है कि हल्का कोहरा छाया रह सकता है आगे आने वाले दो दिनों के दौरान। वहीं बात करेंगे हम गांगे पश्चिम बंगाल की, तो बता दें आपको यहां पर भी अनुमान है कि कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रह सकता है। और साथ ही बता दें आपको कि बिहार और झारखंड में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्का कोहरा छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे उत्तरी मध्य प्रदेश की, तो बता दें यहां पर भी अनुमान है कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही कल पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। जी हां, कुछ एक इलाकों में शीतलहर चल सकती है पंजाब में। और वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं, तो अनुमान जताया जा रहा है कि 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो शनिवार को यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। और शुक्रवार को दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। जी हां, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि शुक्रवार और शनिवार को उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं बात करेंगे हम पूर्वी भारत की, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। और इसके अलावा पश्चिमी राज्यों की अगर हम बात करते हैं, तो यहां फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। रुख करें दक्षिण भारत का, तो बता दें आपको यहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। शनिवार को हिमाचल प्रदेश में कद्दूकस स्थानों पर बरसात के आसार हैं। दो दिन उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दो दिन वर्षा के आसार नहीं है। दो दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में दो दिन पानी नहीं बरसेगा। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में कल कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। दो दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो दिन वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में दो दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा संभव नहीं है। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन बरसात के आसार नहीं है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का, दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में दो दिन बरसात की संभावना नहीं है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में दो दिन बारिश नहीं हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं।
दो दिन अंडमान निकोबार के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। तो अभी आपने जान लिया कि आगे आने वाले दो दिनों की हम बात करते हैं, तो देश में कहां कहां बादल बरसने के आसार हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बना रह सकता है। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बारिश हुई, कहां शीतलहर चली, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बता दें आपको कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। केरल की अगर बात करते हैं तो यहां पर भी कहीं कहीं बरसात हुई और लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको हम पंजाब का हाल, तो पंजाब में ज्यादातर जगहों पर काफी घना कोहरा छाया रहा, साथ ही हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में काफी घना कोहरा छाया रहा। बता दें आपको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर कोहरा छाया रहा। वहीं आपको बता दें हम पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर शीतलहर भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको कि ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर शीतलहर चली और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, खासतौर पर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पर भी शीतलहर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में कहां बादल बरसे, कहां घना कोहरा छाया रहा और कहां शीतलहर चली। इसके साथ आपको जानकारी दे देते हैं हम तापमान के हाल की। सबसे पहले यहां पर बता देते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। बता दें आपको उत्तराखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा, तो ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर में भी रहा। कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया यहां पर कुछ एक इलाकों में। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और इसके विपरीत बता दें बिहार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। ओडिशा में भी ऐसा ही हाल रहा, कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में दर्ज किया गया। यहां पर पारा 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा, कहां पर इसमें बढ़ोतरी रही और कौन से वो इलाके हैं जहां पर इसमें गिरावट भी दर्ज की गई सामान्य के मुकाबले। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब हम न्यूनतम तापमान के हाल की। तो बता दें आपको कि तमिलनाडु में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ बात करेंगे नागालैंड की, तो कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इस बीच बता दें देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान जो है पंजाब के लुधियाना में रहा, यहां पर पारा 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, और जाना कि मैदानी इलाकों की खासतौर पर बात करते हैं तो सबसे कम तापमान रहा पंजाब के लुधियाना में 2.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हो गई तापमान के हाल की, और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें गेहूं की देखभाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना, भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और आपको बता दें कि किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में रोपाई और निराई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में निराई करते रहें, किसान मटर में निराई और गुड़ाई कर ले, इसी तरह मसूर और काबुली चने में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। वहीं सरसों में निराई और गुड़ाई करते रहें। इस समय सरसों में कीटों के लगने का अंदेशा है, ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के, सरसों में जल निकासी की व्यवस्था करें, यहाँ रबी फसलों के खेत से खरपतवार निकालें, अभी सब्जियों के खेतों में सिंचाई करते रहें, साथ ही सब्जियों के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें, वहाँ खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। बात करें रुपाई की तो प्याज की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है, इसके साथ ही लहसुन की भी रुपाई करें, अभी सेब के बागों की देखभाल करते रहें, सेब के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई कर ले, गेहूं में पर्याप्त नमी बनाए रखें, गेहूं में सिंचाई भी करते रहें। किसान जौ और काबुली चने में निराई और गुड़ाई करें, साथ ही प्याज की रुपाई कर सकते हैं, वहां सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें, यही गन्ने की तैयार फसलों की कटाई कर ले। इसके अलावा मूली की बुआई से पहले खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, अभी लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में लाल मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें, यहीं गाजर और मटर के खेत से घास फूस निकाल लें, इसी तरह सरसों के खेत से खरपतवार निकालें, सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। तो जान लिया आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन सी वो कृषि सलाहें हैं जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा हमारे किसानों को दी जा रही हैं, जिससे वो अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका चयन कर सकते हैं बुआई और रोपाई के लिए। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो समय है ऐसे में आप फसलों की बुआई और रोपाई कर सकते हैं। और गेहूं की अगर हम इस मौके पर खास तौर पर बात करें तो वैसे तो सही समय निकल चुका है इसकी बुआई का, लेकिन फिर भी सिंचित अवस्था में इसकी पछेती बुआई कर सकते हैं किसान। किसान मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में अभी गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्में लगा सकते हैं। साथ ही उत्तर पूर्वी बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश में भी पछेती गेहूं की बुआई की जा सकती है। तो इस समय कौन कौन सी किस्में बो सकते हैं हमारे किसान, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने इस समय और इलाकों के हिसाब से अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं HD3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। एक हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। WR544 पूसा गोल्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये एक हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान HD2985 पूसा बसंत बो सकते हैं। इससे एक हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। HW2045 कौशाम्बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें अलग अलग परिस्थितियों में उपज देने की क्षमता है। HW 5216 पूसा थिन मलाई दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में जबकि पूसा शिवालिक 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। एक हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा अमूल्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। ये 101 दिन में पक जाती है। ब्रेड और चपाती के लिए भी अच्छी किस्म है और इससे करीब 42 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। तो जाना आपने, गेहूं की कई ऐसी किस्में हैं जिनको अभी के समय भी बोया जा सकता है। बरसाती गेहूं की आप बुआई कर सकते हैं लेकिन आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्म का चयन करना होगा और समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते हुए ही इसकी अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे आप। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें सलाह है कि गेहूं की बरसाती किस्मों की बुआई कर लें। साथ ही इस समय गेहूं में कीट लगने की भी संभावना है। जिन्होंने पहले से लगा रखी है वो ध्यान रखें, कीट लगने की संभावना है, निरंतर निगरानी बनाए रखें और प्रकोप नजर आता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश में प्याज की रोपाई इस समय किसान कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस समय गन्ने के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान। वहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालने के लिए भी कार्य कर लें, निराई गुड़ाई करते रहें। साथ ही मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर लें किसान। और वहीं लाल मिर्च की रोपाई के लिए भी समय बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है, इसके लिए भी आप तैयारियां कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के खेत में सिंचाई करते रहें ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे। वहीं सरसों की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का आप चयन करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्दी हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह है कि गेहूं के खेत में हल्की सिंचाई जरूर करते रहें। वहीं छत्तीसगढ़ में सरसों में निराई का कार्य कर सकते हैं किसान। इसके साथ ही आपको बता दें, सरसों में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल व छिड़काव करें। इस समय आलू में कीट लगने की भी काफी आशंकाएं रहती हैं, आप लोग निरंतर निगरानी बनाए रखें आलू के खेत में, और अगर प्रकोप नजर आता है तो विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही छत्तीसगढ़ में फसलों में नमी की उचित मात्रा बनाए रखें, पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए फसलों में। वहीं छत्तीसगढ़ में गन्ने की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय मक्का की बुआई भी कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप उन्नत किस्म का चुनाव करें और मक्के में हल्की सिंचाई भी जरूर कर सकते हैं किसान इस समय। वहीं रबी की फसलों में सिंचाई करते रहें, मौसम बदल रहा है ऐसे में नमी बनी रहनी चाहिए, आप हल्की सिंचाई जरूर करते रहें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, अब एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बता दें आपको आगे आने वाले दो दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है। कल पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। बता दें आपको कि उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाए रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहां पर अनुमान है शनिवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बता दें कि शुक्रवार को दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और वहीं अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है। जी हां, संभावनाएं जताई जा रही हैं अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं पूर्वी भारत की खासतौर पर बात करें तो यहां पर 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। और वहीं शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी कल एक दुका जगहों पर घना कोहरा छा सकता है। बता दें आपको अगले दो दिनों के दौरान हल्का कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनुमान है कहीं कहीं हल्का कोहरा छा सकता है। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।